दोस्तों सेटिंग में जाकर आप वीडियो क्वालिटी को इस तरह बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइटी ब्लॉग में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, जहां सबसे ज़्यादा खास बड़ा महादेव और चौरागढ़ मंदिर है, जहां बाबा भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों पचमढ़ी में धूपगढ़, बी वाटरफॉल, जटाशंकर, गुप्त महादेव सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। दोस्तों पचमढ़ी की इस यात्रा में हमने पांडव गुफा, जटाशंकर महादेव, राजेंद्र गिरी, सनसेट पॉइंट और चौरागढ़ मंदिर के दर्शन किए, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको केवल बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और चौरागढ़ मंदिर के ही दर्शन और जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हमारी पचमढ़ी की यात्रा का वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, इसलिए पचमढ़ी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में देना संभव नहीं था, इसलिए हम वीडियो को दो या तीन भाग में बनाकर जानकारी देंगे। दोस्तों साथ ही आपको पचमढ़ी के ड्रोन वीडियो द्वारा सुंदर नज़ारे भी दिखाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें पचमढ़ी की पूरी जानकारी बारीकी से बताई जाएगी, जिसमें आपको वहां पर सारी जगह घूमने में कोई परेशानी नहीं आएगी और कुछ जगहों का ड्रोन वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आइए अब बात करते हैं बड़ा महादेव मंदिर गुफा और चौरागढ़ मंदिर के बारे में। ला चलती फिरती सीढ़ी लेके आए और हमको इमली तोड़ तोड़ के दी जा रही। बता ये 6 है कि 8 है कि 12 है कि दोस्तों पचमढ़ी आने के लिए आपको पिपरिया से आना होगा। अगर आप नागपुर या महाराष्ट्र आ रहे हैं तो आपको छिंदवाड़ा होते हुए परासिया और तामिया के रास्ते पचमढ़ी आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, या आप छिंदवाड़ा भी आ सकते हैं और छिंदवाड़ा के पास ही पातालकोट का भी नज़ारा ले सकते हैं। अगर आप पातालकोट भी देखना चाहते हैं तो आप तामिया से भी जा सकते हैं। हम भी परासिया और तामिया होते हुए पचमढ़ी पहुंचते हैं। कहाँ जा रहा भैया, कौन गांव जा रहा, झोला लेके कौन गांव जा रहा भैया? यहां आपको कम से कम 1200 रुपए से ऊपर ही रूम मिलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही हम करीब 7 बजे निकलते हैं बड़ा महादेव और चौरागढ़ मंदिर में दर्शन के लिए। पचमढ़ी से बड़ा महादेव गुफा मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहां जिप्सी की बुकिंग करानी होगी, जिसका किराया 3200 रुपये होता है और आपको पचमढ़ी के सभी दर्शनीय स्थल के दर्शन करवा देते हैं। पचमढ़ी से बड़ा महादेव मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि वहां पर काफ़ी पहाड़ी रास्ता है और घुमावदार रास्ता भी है। दोस्तों यहां पर बड़ा महादेव मंदिर है और जितनी भी गाड़ियां आती है वो यहां तक ही आ पाती है और चौरागढ़ मंदिर तक कोई भी वाहन नहीं जाता है। आप यहाँ से पहाड़ों की ऊँचाई पर बसे चौरागढ़ मंदिर को भी देख सकते हैं। दोस्तों बड़ा महादेव मंदिर एक गुफा में है, जहां भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित किया गया है। दोस्तों ये वही गुफा है जहां भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए यहां आकर छुपे थे और भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर उसको मोहित कर दिए थे, जिससे भस्मासुर खुद के ही सर पर हाथ रख दिया और वहीं पर भस्म हो गया। भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे वरदान लिया था कि वो जिसके सर पर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। इसके बाद भस्मासुर
भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया था। यहाँ पर नागपंचमी और शिवरात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग ही आते हैं। कौन कौन थकेगा? कोई नहीं। हर बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा महादेव गुफा में दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूरी पर गुप्त महादेव गुफा आती है। इस गुफा में शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए गुफा में एक बार में 8 व्यक्ति ही जा सकते हैं। गुप्त महादेव के बाद हम चौरागढ़ महादेव मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं, जो केवल 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने में हमें करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। चलो भाई, अभी चढ़ाई बहुत है, वो दूर जाना है। विशाल भंडारा केले का जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी की शुरुआत यहां से होती है और ऊपर तक जाने में करीब 1200 से 1500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रास्ते में आपको इसी प्रकार छोटी छोटी दुकानें भी मिलते रहेंगी। ये रास्ता इधर भूरा भगत तरफ से आने वाला, और ये रास्ता है जिधर से हम आए हैं, पचमढ़ी तरफ से। और ये हमारे जो वरिष्ठ क्या कह सकते हैं इनको, टूरिस्ट हैं। और यहाँ से जाना है ऊपर। चौरागढ़ मंदिर पचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, जो महादेव को समर्पित है। इस मंदिर को महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर लगभग 4300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से यहां से आसपास के जंगलों की घाटियों और सूर्योदय का मनमोहक दृश्य भी देखा जा सकता है। इसी वजह से पचमढ़ी आने वाले पर्यटक यहाँ भी घूमने आते रहते हैं। इस मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने का काफ़ी महत्व है, जिस वजह से हर साल हजारों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए त्रिशूल चढ़ाते हैं।
दोस्तों एक कथा के अनुसार जब यहाँ चोरा बाबा ने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपना त्रिशूल यहीं पर छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद ही यहाँ त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, और अब आपको चौरागढ़ मंदिर का जो ड्रोन वीडियो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी।